मोदी को कोसने से मन नहीं भरा तो इंडी गठबंधन के लोग भगवान राम को लेकर उल्टा सीधा बोलने लगे, जबकि इंडी गठबंधन के लोग इसी बात को लेकर पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं कि उस पार्टी में कौन रहेगा जिसके नेता राम मंदिर का न्योता ठुकराते हैं, भगवान राम का अपमान करते हैं। यह देखकर भी इंडी गठबंधन के नेता सुधरे नहीं है, भगवान राम को लेकर लगातार बदजुबानी चल रही है। इंडी गठबंधन की पार्टियों का हाल आप देखिए, इनमें से कोई कह रहा है कि वो राम का दुश्मन है, कोई कह रहा है कि राम मंदिर अपवित्र है, कोई कह रहा है कि राम हमें स्वीकार नहीं है, कोई कह रहा है कि राम नाम लो भूखे मरो। अरे बॉस, नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते अब भगवान राम का भी विरोध होने लगेगा क्या? इस तरह से अगर भगवान राम के देश में भगवान राम का विरोध कीजिएगा तो बॉस आपकी राजनीति चलेगी। लेकिन इंडी गठबंधन की सियासी समझ पर ही तरस आता है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले और उसके बाद से लगातार राम और राम मंदिर के विरोध में बयानबाजी चल ही रही। अच्छा, दूसरे धर्म के लोगों के लिए ये लोग ये सब नहीं बोल पाते, सबको राम जी पे बोलना है। दक्षिण से लेकर पूर्व तक इंडी गठबंधन के नेता भगवान श्री राम के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तमिलनाडु में इंडी गठबंधन की प्रमुख सहयोगी डीएमके के नेताओं ने तो जैसे सनातन और श्री राम के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। डीएमके नेता ए राजा ने भगवान राम पर ऐसा बयान दिया कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। ए राजा ने कहा कि उन्हें भगवान राम का दुश्मन मान सकते हैं क्योंकि वो भगवान राम को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।